नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दसवीं भगत और आप देख रहे हैं करी बास्केट। आज हम बनाने वाले हैं वैलेंटाइन डे स्पेशल रेड वेलवेट फजी ब्राउनी। फजी ब्राउनी के लिए हम जितना बटर लेंगे उतना ही हमारा ब्राउनी जो है फज होगा। तो हमने यहाँ लिया है बटर। बटर में हम डाल देंगे चीनी, एक बार में थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे और फिर हमें इसे बीट करना है। थोड़ा थोड़ा डाल करके चीनी आपको बीट करना है इसे, और जितना आपने बटर लिया है उतना ही आपको कंडेंस्ड मिल्क लेना है और उसे भी आपको थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाना है और बीट करते जाना है। चीनी आपको स्वादानुसार लेना है, क्योंकि आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी ले रहे हैं, तो कौन सी ब्रांड का ले रहे हैं और आपका कंडेंस्ड मिल्क कितना, उसका टेक्सचर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कभी कभार होता है ये खुली खुली जमते जाती है तो फिर ये ज़्यादा मीठी हो जाती है, तो आपको वो भी ध्यान देना है। थोड़ी सी सॉफ्टनेस के लिए हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल ऑयल। 4 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ वेजिटेबल ऑयल लिया है और फिर हम इसे बीट कर देंगे। चुटकी भर लें नमक टेस्ट इन्हेंस करने के लिए। और फिर आपको लेना है दही। दही बहुत ज़रूरी है, खास करके वेलवेट फज के लिए। और फिर बीट करें। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे दही का पानी भी, बस थोड़ा सा। और अब रेड फूड कलर, क्योंकि रेड वेलवेट बना रहे हैं हम तो रेड फूड कलर डालना ज़रूरी है। आप अगर बीटरूट का जूस भी डालेंगे तो ठीक है, लेकिन उससे इसका कलर उतना रिच नहीं आ पाता है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, फूड कलर आपको डालना ही पड़ेगा। और आपको साथ ही में डाल देना है वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून के करीब। ले वनीला एसेंस, ये गया हमारा वनीला एसेंस, और फिर आपको बीट करना है। कलर बैलेंस करना है क्योंकि ये थोड़ा सा पिंक दिखाई दे रहा है, तो मैं रास्पबेरी रेड भी डाल करके देख रही हूँ। मैं क्या नाम है इसका, पेपिलोन, ये रेड वेलवेट केक के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती हूँ ये कलर। मे बी बेक होने के बाद ये थोड़ा सा रेड दिखाई देने लगे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। अभी हम इसमें डालेंगे एस्प्रेसो या ब्लैक कॉफी। थोड़ा सा बचा लेना चाहिए। अब डालेंगे कोको पाउडर, मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर। सभी चीज़ की क्वांटिटी आपको बराबर में लेनी है दही को छोड़ करके, क्योंकि बटर मैंने यहाँ 1 कप लिया था और 2 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ वेजिटेबल ऑयल लिया था, तो 2 टीस्पून के करीब यहाँ मैं कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ और मैदा ऐड कर रही हूँ 1 कप। जितना बटर लिया था उतना ही कंडेंस्ड मिल्क भी आपको उतना ही लेना है। बचा हुआ एस्प्रेसो भी डाल दें। चॉकलेट होता या वाइट चॉकलेट होता तो मैं उसे रेड करके ज़रूर डालती इसमें, और पिंक चॉकलेट होता तो प्लेन ही डालती, लेकिन मेरे पास दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो मैं कोई चॉकलेट चंक्स नहीं डाल रही हूँ इसमें, लेकिन आपके पास अगर अवेलेबल हो तो आप ज़रूर डालें। पैन रेडी करें, क्योंकि मैंने पहले से ही पैन रेडी नहीं किया था तो अब कर रही हूँ। ओवन भी मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया है 10 मिनट के लिए, मैं उसे 180 सेल्सियस पे प्रीहीट कर रही हूँ 10 मिनट के लिए।
सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिल चुकी हैं। इसे हमें अवन हमारा प्रीहीट हो चुका है, अभी हमें इसे 15 मिनट के लिए बेक करना है। ब्राउनी हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसे अवन से बाहर निकाल देंगे। इसे टेस्ट करने का एक ही तरीका है, वही तरीका है जैसा हम केक को टेस्ट करते हैं, टूथपिक से आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। कुछ देर के लिए हम इसे ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे कट करेंगे और सर्व करेंगे। तो मैं आपसे मिलती हूँ कुछ देर बाद में, होल्ड कर लेते हैं पहले। ये देखिए सुपर सॉफ्ट है हमारा ब्राउनी और काफ़ी फजी भी है लग रहा है। ये देखिए कितना फजी बन करके तैयार हुआ हमारा रेड वेलवेट ब्राउनी। छोटा स्कूप नहीं है तो मैं बड़े स्कूप से ही हमारा आइसक्रीम स्कूप करूंगी। ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा रेड वेलवेट फजी ब्राउनी बन करके। आप भी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आपके पास अगर इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपी हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ अपनी अगली